हेलो एंड वेलकम टू सिटी कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम एक प्रैक्टिकल सेशन रन करेंगे टेली ईआरपी 9 पे। आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है जिनका या तो बहुत कम एक्सपीरियंस है टेली सॉफ्टवेयर में या जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। लेकिन आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप हमारी जो कंप्यूटर अकाउंट्स पे एक इंट्रोडक्शन क्लास है थ्योरी की, उसे आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और उसके बाद अगर आप इस प्रैक्टिकल सेशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपके लिए काम करना बहुत ही इजी होगा। जैसे कि उस थ्योरी क्लास में, एक इंट्रोडक्शन क्लास जो हमने लगाई थी, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ एक बात कि जब भी हम दुनिया के किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बेसिकली दो टाइप के फीचर्स होंगे। कुछ कंपलसरी ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऑप्शनल। कंपलसरी फीचर्स या मैंडेटरी फीचर्स की जब तक आपको 100% नॉलेज ना हो, तब तक आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको काम करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हम ऑप्शनल फीचर्स की बात करें तो ऑप्शनल फीचर्स इनिशियली स्टेज पे हमें सारे ऑप्शनल फीचर्स आते हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शनल फीचर आप जितने ज़्यादा सीखोगे उतने आप एक्सपर्ट बन जाओगे, उतना आपका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जैसे आज की हमारी जो क्लास है वो तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन या स्टार्टिंग क्लास है, एक फर्स्ट क्लास है हमारी टेली ईआरपी 9 पे। तो आज की क्लास में हम बेसिक्स और बेहद कंपलसरी या जो आपके मैंडेटरी फील्ड्स हैं, मैंडेटरी फीचर्स हैं, उनके बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और अपनी आने वाली क्लासेस में हम बाकी के जो ऑप्शनल फीचर्स जो होंगे उनके बारे में हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में, जो उसके बाद हमारी क्लासेस लगेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज के इस हम प्रैक्टिकल सेशन में पार्टिसिपेट करें, मैं सुजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिकल सेशन के लिए आपके पास किसी न किसी कंपनी की कुछ ट्रांजेक्शन हो, उन ट्रांजेक्शन्स को ही बेस मान के अगर हम किसी कंपनी में, किसी सॉफ्टवेयर में एक प्रैक्टिकल रन करते हैं तो बेहद ही इजी होगा हमारे लिए समझने के लिए। अगर आप हमारी एकेडमी के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो ऑलरेडी हम आपको एक कंपनी जिसका नाम है इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी, उससे रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको हैंडओवर कर चुके हैं। और होप्स हो कि वो सारी ट्रांजेक्शन्स आपने सॉल्व कर ली होंगी। ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के बाद ही, ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री बनाने के बाद ही हम किसी भी सॉफ्टवेयर में उसका ट्रांजेक्शन्स को हम इनपुट करना या उन ट्रांजेक्शन्स को एंटर करना सीखेंगे। लेकिन इफ़ यू आर ए ऑनलाइन स्टूडेंट्स देन द ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट। आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको सबसे पहले जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज की क्लास की अगर हम बात करें, इसमें मैं कुछ जो इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी की फर्स्ट 15 ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम उन ट्रांजेक्शन्स को एक बार डिस्कस करते हैं और फिर उन ट्रांजेक्शन की हेल्प से टेली ईआरपी पे एक प्रैक्टिकल सेशन रन करेंगे। उन ट्रांजेक्शन्स को हम इनपुट करके रिजल्ट निकाल के हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट करता हूँ इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारी जो कंपनी का नाम है वो इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी है। जैसे इसके नाम से ही आपको पता चलेगा हमारी कंपनी सीमेंट में डील करती है। इट मींस अगर हमारी कंपनी सीमेंट खरीदती है तो वो परचेज टर्म होगी, और सीमेंट बेचती है तो सेल्स टर्म। एंड द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आवर कंपनी इज 2002-2003। तो इस कंपनी को लेके मैं आपके लिए फर्स्ट 15 ट्रांजेक्शन्स लेके आया हूँ जो कि ऑलरेडी सॉल्व है। तो अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ देखोगे तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम ए के शर्मा एज कैपिटल, और इसको हमने जर्नलाइज किया है और इसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री बनी है कैश टू ए के शर्मा कैपिटल अकाउंट। तो अब आज की क्लास का बेसिकली ये मैटर नहीं है कि किस ट्रांजेक्शन को आपने जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो दिस वर्क इज रिलेटेड टू बेसिकली मैनुअल अकाउंटेंसी या बेसिक अकाउंटेंसी वर्क। लेकिन टूडेज क्लास इज रिलेटेड टू टिपिकल, जो आज की क्लास है वो कंप्यूटर अकाउंट से रिलेटेड है, बेसिकली टैली से रिलेटेड है। तो आज की क्लास में ये क्वेश्चन नहीं है कि ट्रांजेक्शन्स को हमने सॉल्व कैसे करना है, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास कोई सॉल्व ट्रांजेक्शन्स है तो हाउ टू एंटर दीज ट्रांजेक्शन्स इनटू ए टैली सॉफ्टवेयर। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स, ये सॉल्व ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, मैं इन सारी ट्रांजेक्शन्स को एक बार स्क्रॉल करूंगा। लेकिन इससे पहले कि आप आज के प्रैक्टिकल सेशन में काम करो तो आपको ये ट्रांजेक्शन अपनी कॉपी पे या अपनी बुक में अच्छे ढंग से नोट करनी है। तो नोट करने के बाद ही हम टैली सॉफ्टवेयर में ये ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपको स्क्रॉल करके एक बार आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो आप मेरे साथ साथ इन ट्रांजेक्शन्स को एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा।
जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो डेट वन की कुछ एंट्रीज हैं और उसके बाद आपकी डेट शुरू हुई है और तकरीबन 5 एंट्रीज हैं हमारी डेट टू से रिलेटेड और 10 एंट्रीज हैं डेट वन से रिलेटेड। तो इन ट्रांजेक्शन्स को आप एक बार देख के अच्छे ढंग से नोट जरूर कर लीजिएगा। तो अब इन ट्रांजेक्शन्स को होप्स हो कि आपने नोट कर लिया होगा। इन ट्रांजेक्शन्स के बाद हम सीधा चलते हैं टेली ERP 9 पे। जैसे टेली ERP 9 आपकी स्क्रीन पे, जैसे ही टेली ERP 9 आप ओपन करोगे तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन अपीयर होगी उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेन्यू। और अगर इस पे ध्यान से देखो तो दो ऑप्शन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, वन इज सेलेक्ट कंपनी, वन इज क्रिएट कंपनी। बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शनल फीचर्स हैं, इनको हम लेटर स्टेज पे सीखेंगे। तो आप सेलेक्ट कंपनी की अगर हम बात करें तो सेलेक्ट कंपनी करने की पोजीशन तब आएगी जब आप किसी ऐसी कंपनी में काम करोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करोगे जो आप फर्स्ट टाइम आप जिसमें काम करने के लिए आप बैठोगे तो आपको कंपनी क्रिएट करनी है। तो टैली में अगर कोई भी फीचर आपने चेंज करना है, कोई भी ऑप्शन चेंज करना है, तो आपके कीबोर्ड में लगे आप एरो की को यूज़ करते हुए इन सारे को अप डाउन कर सकते हो, या आप माउस की हेल्प से भी अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन पे वो कंपनी दिखाएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो जैसे हमारे पास ये 2-4 कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन टुडेज अवर चैप्टर इज रिलेटेड टू इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी एंड ये कंपनी अभी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इट मीन्स सबसे पहले हम इस कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही हम क्रिएट कंपनी पे एंटर प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएट करने से रिलेटेड एक फीचर, एक ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करने से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसको रन करेंगे। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो सबसे पहले की लाइन में जो आपके पास ऑप्शंस है इसमें आपकी डायरेक्टरी का नाम दिया गया है जहाँ पे आपका डाटा सेव होगा। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये फील्ड है जिसमें आप अपनी कंपनी के नाम को इनपुट करोगे। और जैसे हमारी कंपनी का नाम है बेसिकली इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी, तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी का नाम टाइप करोगे। उसके बाद आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम और आपकी कंपनी का नाम बेसिकली सेम होता है, लेकिन अगर आप मेलिंग नेम में कोई डिफरेंट नेम डालते हो तो जब आप रिपोर्ट्स प्रिंट करोगे तो उस पर वो नाम प्रिंट होगा। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपका मेलिंग नेम और आपकी कंपनी का नेम आपका सेम होता है। उसके बाद एड्रेस। अब जैसे हमारी कंपनी का आप कंप्लीट एड्रेस भी डाल सकते हो या आप सिर्फ सिटी का नाम, जैसे हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारी कंपनी सिचुएटेड है चंडीगढ़ में, तो हम एड्रेस में चंडीगढ़ प्रेस करते हैं। उसके बाद स्टैचुरी कंप्लायंस फॉर्म। तो स्टैचुरी कंप्लायंस फॉर्म में वेरी ओबियस आपके सामने कुछ कंट्रीज के नाम रिफ्लेक्ट हुए हैं, और अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो दिस कंपनी इज रिलेटेड टू बेसिकली इंडिया, तो आप इंडिया एक बार सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद स्टेट। तो जैसे कि अब आपके जो भी इंडिया में स्टेट्स हैं वो आपके सामने रिफ्लेक्ट हैं। बेसिकली स्टेट जब आप किसी भी टैली सॉफ्टवेयर में आप किसी भी टैक्स से रिलेटेड, खासतौर पे जब आप वैट पे काम करोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपने यहाँ पे करेक्ट जो है आपका स्टेट है इसको आपने गलत नहीं करना, बहुत ध्यान से इस पर आपको एंटर लगाना है। तो चंडीगढ़। उसके बाद पिन कोड, जैसे हमारा लोकेशन के अकॉर्डिंगली हमारा पिन कोड है 160036। उसके बाद टेलीफोन नंबर, जैसे हमारा 3 टेलीफोन नंबर सपोज करो ये है, तो हमने टेलीफोन नंबर। उसके बाद ये सारे लगभग आपके सारे ऑप्शनल फीचर्स हैं, आप इनको चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो और चाहो तो इनमें आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल भी सकते हो। उसके बाद जैसे सपोज करो हमारा ईमेल है, उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे अनेबल ऑटो बैकअप, तो अगर आप अनेबल ऑटो बैकअप को यस करोगे तो आपके बैकअप में हेल्पफुल होगा। उसके बाद आप करेंसी सिंबल, तो जैसे आप जानते हो हमारा करेंसी सिंबल रुपीस। उसके बाद मेंटेन, इसमें दो फीचर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हुए हैं, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो जैसे हमने आज डिस्कस किया कि टू डेज अवर क्लास रिलेटेड टू बेसिक अकाउंटेंसी,
तो आज हम सिर्फ अकाउंट्स ओनली करेंगे एंड अकाउंट्स रिलेटेड टू इन्वेंट्री, इसके बारे में हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी हमने डेटे में देखा हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2002 से 2002। उसके बाद बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, देखो वेरी ऑब्वियस, जिस डेट को आपका फाइनेंशियल ईयर बिगन हुआ उसी डेट को आपकी बुक्स बिगिन होंगी, दोनों की डेट सेम रहेगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसमें नॉर्मली गलती कर देते हैं कि यहाँ पे 1 अप्रैल और बुक्स बिगनिंग में वो 31 मार्च डाल देते हैं बिना इस बात को ढंग से देखे। दोनों में डेट सेम रहेगी 1 अप्रैल 2002। बुक्स बिगिन फ्रॉम, अगर हम टैली की बात करें, ये फीचर्स इन्होंने स्पेशली इसलिए दिया है कि इन केस जिस फाइनेंशियल ईयर में, सपोज करो आपकी कोई कंपनी किसी फाइनेंशियल ईयर में शुरू हुई, नई कंपनी आपकी है, जैसे वो 1 सितंबर को शुरू हुई, 1 सितंबर 2002 को शुरू हुई, तो इस कंडीशन में आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 1 अप्रैल ही रहेगा, लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम आपकी कहाँ से आएंगी, 1 सितंबर 2002 से। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और फॉलोइंग ईयर में जब आप काम करते हो तो ये डेटे सेम रहेंगी। उसके बाद हमारे पास आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में आप अपनी कंपनी के लिए यूज़र और पासवर्ड ड्राफ्ट कर सकते हो और इसमें सिक्योरिटी के कई फीचर्स आप ऐड कर सकते हो। आप किसी भी यूजर्स को भी अपने राइट डिफाइन कर सकते हो, उसके राइट्स आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वो सारा हम अपनी लेटर क्लासेस में सीखेंगे। आज की, क्योंकि जैसे कि बेसिक क्लास हमने बार बार एक ही बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज की क्लास बेसिक क्लास है, तो अभी हम इसको नो करके चलेंगे। उसके बाद बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, जैसे आप सारे जानते हो कि टैली बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मल्टी करेंसीज पे काम करता है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की, क्योंकि हमारी कंपनी बेसिकली इज़ रिलेटेड टू इंडिया और इंडिया में जो बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन रुपीज ही चलेगा, तो करेंसी सिंबल हमारा रुपीज रहेगा और इसका फॉर्मल नेम INR मींस इंडियन रुपीज। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो जैसे आप पॉइंट के बाद, जैसे आप 10 रुपीज़ 50 पैसा लिखते हो तो डेसिमल के बाद आपको कितने स्पेस चाहिए होते हैं, 2 places। फिर उसके बाद इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, तो अगर आप इसको यस करते हो तो ये आपके अमाउंट के आगे करेंसी सिंबल को यूज करेगा, लेकिन आपको बार बार हर टाइम अमाउंट के साथ रुपीज मेरे ख्याल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन आप इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद सिंबल फॉर डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल के बाद जो अमाउंट कहलाएगा वो आपका पैसा कहलाएगा, ठीक है, जैसे डॉलर्स के साथ सेंट होते हैं वैसे ही रुपए के साथ हमारा क्या है, पैसा। फिर शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हो तो ये फिर आपके अमाउंट को 10 लाख को 1 में कन्वर्ट कर देगा, तो फिलहाल आप इसको, क्योंकि आपको जो काम करना है वो रुपीज में करना है नॉट मिलियंस में, तो उसको आप हमेशा नो रहने दीजिएगा। उसके बाद पुट स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो जब हमने सिंबल लगाया ही नहीं तो चाहे इसके आपको उसको यस स्पेस दीजिएगा या नहीं दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यस या नो में कोई डिफरेंस नहीं है। डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स, तो जब आप वर्ड्स में जब अमाउंट प्रिंट करोगे तो क्या वहाँ पे आपको डेसिमल के प्लेसेस यूज़ करने हैं, तो अगर करने हैं 2 places यूज़ करने हैं तो आप इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एक्सेप्ट यस और नोट। देखो अगर आप टैली सॉफ्टवेयर की स्पेशली बात करो तो जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमें टैली सॉफ्टवेयर में सेव करनी होती है तो तब हमारे पास ये ऑप्शन आता है एक्सेप्ट और यस और नोट। एक्सेप्ट मीन्स सेव, अगर इस स्टेज पे आप अपने कंप्यूटर को बंद कर दो या लाइट चली जाए या आपका सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए तो अभी तक आपके कंप्यूटर यानी टैली सॉफ्टवेयर ने हार्ड डिस्क पे कुछ भी सेव नहीं किया, लेकिन जब अगर आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक्सेप्ट का मीनिंग ही सेव है टैली में। तो एक्सेप्ट करने की अगर हम बात करें तो 2 तरीके हैं, 2 बातें, 2 मेथड से आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट करने के लिए अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो तो वाई प्रेस करोगे या फिर एंटर प्रेस करोगे, और नो करने के लिए चाहे आप एस्केप कर दीजिएगा या एन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप माउस का इस्तेमाल करना चाहो तो माउस भी यूज हो जाएगा। एन आप नो उस कंडीशन में करोगे अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन सपोज करो गलत है, अगर मैं नो करता हूँ तो ये वापस आ गया, इसने अभी भी हार्ड डिस्क पे कुछ सेव नहीं किया, और अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत हुई है या कोई चीज़ हमने छोड़ दी है तो उसको आप एक बार चेंज करके फिर आप आगे आगे एंटर प्रेस करके दोबारा आपसे पूछेगा एक्सेप्ट। यहाँ पे अगर आप इसको यस कर देते हो
तो आपकी कंपनी जो है सेव आपका टेली सॉफ्टवेयर कर देगा। तो कंपनी सेव करने के बाद देखो, कंपनी ओपन करने का प्रोसेस सिर्फ साल में एक बार है जब आप, लेकिन उसके बाद आप पूरा साल या उसके बाद आपके लिए जब एक बार आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आगे सेव होगी, तो जब भी आप उस कंपनी में काम करोगे तो आपको फिर सिलेक्ट कंपनी करना है। तो एक बार आपने अपने सबसे पहले कंपनी सेव करने के बाद, तो कंपनी सेव करने के बाद, कंपनी खोलने के बाद हमारे पास जो स्क्रीन अपीयर हुई है गेटवे ऑफ टैली के नाम से, इसे हम प्राइमरी मेन्यू बोलते हैं, सॉरी इसे हम मेन मेन्यू बोलते हैं। यही आपका मेन मेन्यू, सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे मिलेंगे। तो जैसे हमने अपनी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया कि किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए दो मेजर पॉइंट्स हैं, फर्स्ट आपको अकाउंट खोलने हैं और सेकंड आपको एंट्री डालनी है। इसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं वो सारे ऑप्शनल हैं, उनका जो रेलिवेंस है वो कम है। तो डाटा इनपुट से रिलेटेड आपके सिर्फ दो ऑप्शंस बनेंगे, अकाउंट क्रिएट करना और वाउचर एंट्री। तो हम इन दोनों ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट्स क्रिएट करने की बात करेंगे, तो अकाउंट्स क्रिएट हम करेंगे अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में। जैसे ही आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो हमारे पास आगे फर्दर फिर तीन ऑप्शंस हैं, जिसमें ग्रुप्स है, लेजर है, वाउचर टाइप है। जैसे हम सारे जानते हैं कि अकाउंट्स किस बुक में क्रिएट होते हैं, लेजर में, तो आगे हम प्रोसीड करेंगे लेजर में। उसके बाद अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखते हो तो हमारे पास तीन ऑप्शन आएंगे, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। लेकिन मेन हेडिंग में भी दो टाइप के हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सिंगल लेजर में एक अकाउंट हम एक साथ एक बार में एक अकाउंट ओपन करेंगे, लेकिन मल्टीपल लेजर में हम मोर देन वन अकाउंट एक साथ ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन केस ऑफ इफ़ यू आर ए वर्किंग ऑन ए इनिशियली स्टेज और बेसिक स्टेज पे, और जब हम लर्निंग स्टेज की बात करें तो इस स्टेज पे हम अकाउंट वन बाय वन करके क्रिएट करेंगे। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप जब भी कोई आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो सिंगल लेजर ही हमेशा यूज़ करिएगा। तो सबसे पहले कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने अकाउंट क्रिएट करने से रिलेटेड रिफ्लेक्ट हुई है। और जब भी आप कोई अकाउंट क्रिएट करोगे तो जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में आपको पूरा मैकेनिज्म एक सॉफ्टवेयर का डिस्कस किया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर में एक अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड आपको सिर्फ दो मैंडेटरी फीचर्स, दो मैंडेटरी काम करने हैं। फर्स्ट आपको जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है उसके स्पेलिंग्स का इनपुट देना और फिर उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले जैसे हम अकाउंट खोलते हैं, अभी टैली ऑलरेडी आपकी जितने भी आपके इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड अकाउंट हैं, हम उन सारे अकाउंट को डाटा आपने ऑलरेडी अपने आगे होप्स रख लिया होगा। उस डाटे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारे लिए अकाउंट खोलने के लिए बनते हैं, जो उन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री में हमने टाइटल यानी अकाउंट डिस्कस किए थे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली हम सारे अकाउंट खोलना शुरू करेंगे। तो जैसे सबसे पहले कैश अकाउंट आता है, तो मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि टैली सॉफ्टवेयर में कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, पहले से ही बाय डिफॉल्ट ऐड होते हैं। तो जब भी किसी भी टैली सॉफ्टवेयर पे आप काम करोगे तो उसमें आपको कैश अकाउंट नए सिरे से नहीं खोलना, तो जो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको ही यूज़ करोगे। लेकिन कैश अकाउंट को अगर छोड़ दें, बाकी सारे अकाउंट आपको ओपन करने पड़ेंगे। तो जैसे अगला अकाउंट है हमारा ए के शर्मा कैपिटल अकाउंट, तो ए के शर्मा के हम स्पेलिंग यहाँ पे डालते हैं। एके शर्मा कैपिटल अकाउंट, तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये वो लिस्ट है जिसकी हमने बात की थी कि एके शर्मा कैपिटल अकाउंट इसमें से किस कैटेगरी से रिलेटेड है। अगर आप इस कैटेगरी को बड़े ध्यान से देखो तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे कैटेगरीज हैं। एके शर्मा कैपिटल अकाउंट हमारा किस कैटेगरी से रिलेटेड होगा, कैपिटल। तो जैसे ही हमारा कर्सर कैपिटल पे आता है हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे। इसके अलावा क्योंकि हमने किसी भी अकाउंट को ओपन करते टाइम सिर्फ दो फीचर्स पे, दो एस्पेक्ट्स पे काम करना है कि अकाउंट के स्पेलिंग क्या है और उसका रेलिवेंट ग्रुप क्या है, इसके अलावा जितने आपसे ऑप्शन पूछेगा ये सारे आपके ऑप्शनल फीचर्स हैं, इनका रेलिवेंस कम है। तो इनिशियली स्टेज पे अगर ये इन्फॉर्मेशन आप डालते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं भी डालते हो तो भी कोई आपके रिजल्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो जिसमें आपकी ए के शर्मा का एड्रेस, उसका बैंक की डिटेल, पैन, सेल्स टैक्स नंबर वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा।
अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो अगर आप नहीं भी ये इन्फॉर्मेशन डालते तो भी आपकी बेसिक वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी, मैं बार बार आपको एक ही बात पे मैंने जोर दिया है कि जब भी कोई अकाउंट ओपन करेंगे तो सिर्फ आपके दो काम हैं, अकाउंट के स्पेलिंग क्या है और उसका ग्रुप क्या है, दैट्स इट। वो दो इनपुट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर आपसे इसके बारे में, इसके सेव करने के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ये पूछेगा एक्सेप्ट यस और नॉट, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन सही है तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो एक अकाउंट ओपन करने के बाद हम दूसरे अकाउंट पे चलते हैं, दूसरे अकाउंट का हमारा नाम है पीएन बैंक, और पीएन बैंक को हम किस ग्रुप में खोल लेंगे, बैंक। उसके बाद जितनी इन्फॉर्मेशन आप इसको स्केप कर सकते हो उसको आपको फिलअप करना इनिशियली स्टेज पे कंपलसरी नहीं है, आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अगला अकाउंट है फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्चर, और इसका जो ग्रुप बनेगा वो क्या है, फर्नीचर एंड फिक्चर बेसिकली हमारी कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स है, तो इसे फिक्स्ड एसेट्स में आप सेव कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा अकाउंट है राम वर्क्स हमारा सप्लायर है, और हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि सप्लायर हमारे सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद आपके पास मेंटेन बिल वाइज, ये बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन किसी भी टेली 9 ईआरपी में ऑन होता है, आपने इस ऑप्शन को नो रखना है इनिशियली स्टेज पे, क्योंकि इसको यस करने में जो आप की एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे, बस इन दिस स्टेज आपको उसको यस नहीं करना है। आप ध्यान रखिएगा मेंटेन बिल वाइज को आपने हमेशा नो रखना है स्टार्टिंग में। इसको यस करने से हमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में हम लेटर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जब तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज ना हो तब तक आप उस फीचर को यूज ना करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हमेशा रहता है, तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारा अगला अकाउंट है कंप्यूटर अकाउंट, और कंप्यूटर अकाउंट इज अगेन ये किस ग्रुप से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स, दिस ग्रुप इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, दैट्स इट। उसके बाद हमने जो कंप्यूटर परचेज किया वो HP लिमिटेड से, तो HP लिमिटेड का हम अकाउंट खोलेंगे, और HP लिमिटेड हमारा अगेन सप्लायर है, सप्लायर हम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ओपन करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को हम फिर सेव करेंगे। उसके बाद हमारा अकाउंट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जब भी किसी भी एक्सपेंसेस की बात आए तो एक्सपेंसेस आपके बेसिकली दो टाइप के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको सबसे पहले जब भी कोई आप एक्सपेंसेस ओपन करोगे तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी मैंडेटरी है, जरूरी है कि एक्सपेंसेस की जो नेचर है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी जिस प्रोजेक्ट में अभी हम जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट खोलेंगे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। वैसे भी जो किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट कैटेगरी में ही आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो सिर्फ किससे रिलेटेड होते हैं, जो परचेज एस्पेक्ट्स है, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। लेकिन अगर आपका एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कैटेगरी का है तो आप उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सेव कर दीजिएगा। तो इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी में जितने अकाउंट हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद जो हमारा अकाउंट है रेंट अकाउंट इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड अगेन स्टाफ सैलरी अकाउंट इज आल्सो रिलेटेड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी, एंड अगेन अकाउंट इज टी एक्सपेंसेस, एंड दिस अकाउंट इज ऑलरेडी रिलेटेड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी। एंड देन उसके बाद हमारे पास अकाउंट आता है परचेज अकाउंट हमारे पास सीधी कैटेगरी है परचेज की, तो उसमें ओपन करेंगे, और परचेज के साथ हमारे पास एक अकाउंट आता है ACC लिमिटेड, और ACC लिमिटेड हमारा सप्लायर है, तो सप्लायर का अकाउंट हम सन्ड्री क्रेडिटर में ओपन करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला अकाउंट आता है दिस अकाउंट इज अगेन ए सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद हमारा अगला अकाउंट आता है सेल्स अकाउंट, और सेल्स हम सीधा सेल्स में ओपन करेंगे सेल्स अकाउंट,
फिर उसके बाद हमारे पास दीपक कुमार अकाउंट, एंड दीपक कुमार इज अवर कस्टमर, एंड जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि कस्टमर क्या होता है, सन्ड्री डेटर। तो इन दिस वे हम जितने भी हमारे अकाउंट्स थे इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, फर्स्ट 15 ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, वो हमने ओपन कर चुके हैं। तो अगर आप ये देखना चाहो कि आपके कौन कौन से अकाउंट आपने ओपन किए हैं, तो आप जो लेजर ऑप्शन में डिस्प्ले ऑप्शन है, इस पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपकी कंपनी से रिलेटेड जितने अकाउंट आप ऑलरेडी ओपन कर चुके हो आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हो कि कैश अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा जितने अकाउंट है वो अभी सारे हमने ओपन किए। लेकिन अगर कोई अकाउंट गलत हो जाए, कोई आप अकाउंट गलत खुल जाए, तो जैसे आपने कोई गलत अकाउंट खोल दिया, आपने कोई सपोज करो ऐसे कोई SK ट्रेडर्स था हमारा, और आपने कोई उसके स्पेलिंग गलती से, गलत स्पेलिंग के साथ इस अकाउंट को ओपन कर दिया और सेव हो गया, तो उसके बाद इस अकाउंट को आप रेक्टिफाई करने के लिए आप लेजर में जाइएगा। आप डिस्प्ले के साथ एक ऑप्शन और आता है अल्टर, जिसमें जो स्क्रीन है आपकी बिल्कुल डिस्प्ले जैसी ही अपीयर होगी, लेकिन इसमें आप आगे फर्दर किसी भी अकाउंट को आप अल्टर कर सकते हो। जिस अकाउंट को आपको अल्टर करना है आप उस पर एंटर प्रेस कीजिएगा, और उसका जो भी गलत है, जैसे स्पेलिंग सपोज करो मिस्टेक है, तो उसके आप स्पेलिंग रेक्टिफाई करने के बाद और सन्ड्री डेटर उसके बाद दोबारा उसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा, तो आपके जो अकाउंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी काम करना है, तो गेटवे ऑफ टैली, जिसे हमने आपका मेन मेन्यू माना है, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाके आप लेजर में जाके क्रिएट भी कोई अकाउंट कर सकते हो, और इसी में ही आप किसी भी अकाउंट को डिस्प्ले करके देखोगे अगर आपने अकाउंट्स देखने हैं, और अगर आपने कोई अकाउंट अल्टर करना है तो आप इसी में ही अल्टर ऑप्शन में जाके किसी भी अकाउंट को अल्टर कर सकते हो। तो अकाउंट से रिलेटेड सारा का सारा काम हमने मास्टर में अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर ऑप्शन में किया। तो यहीं पे आपका अकाउंट क्रिएट भी होगा, अल्टर भी होगा, और अगर कोई मिस्टेक उसमें होती है तो रेक्टिफाई आप कर सकते हो। उसके बाद आप एस्केप करके दोबारा अपने मेन मेन्यू पे आइएगा। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री का इनपुट देने से रिलेटेड। तो ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री या का इनपुट से रिलेटेड जो ऑप्शन टैली में है वो जाना जाता है अकाउंटिंग वाउचर के नाम से। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अकाउंट्स जो आपकी जर्नल एंट्री वाउचर एंट्री है एंटर करने से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे जो ऑप्शन है वो अपीयर हो जाएगा। तो जैसे हम सबसे पहले एंट्री अपनी फर्स्ट एंट्री डालते हैं, तो वह एंट्री मैं आपको एक बार आपकी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, दोबारा एक बार आपके साथ डाटा फिर शेयर करता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट एंट्री को देखोगे तो इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी की फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश टू AK शर्मा कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट इज 10 लाख रुपीज़। और टैली के इस ऑप्शन को हमने पहले ही मार्क किया है कि ये एंट्री किस ऑप्शन में जाएगी, रिसीप्ट्स ऑप्शन में जाएगी। अब ये रिसीप्ट्स ऑप्शन में क्यों जाएगी, इसके बारे में हम ऑलरेडी अपनी बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इन ट्रांजेक्शन्स को हम एंटर करेंगे। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स को एंटर करने के लिए हम टैली पे दोबारा चलते हैं। तो जैसे आपके साथ टैली स्क्रीन पे होगी, तो किसी भी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री का इनपुट देने से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो 7 मैंडेटरी फील्ड्स हैं, और जब तक आप उन 7 मैंडेटरी फील्ड्स का इनपुट कंप्यूटर को नहीं दोगे तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। इसके अलावा अगर आपसे टैली कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है तो आप अगर उस क्वेश्चन का नहीं भी आंसर दोगे तो भी आपके ट्रांजेक्शन्स के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उन 7 मैंडेटरी फील्ड्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, डेट। अब आपने किस डेट, किस आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो किस डेट से रिलेटेड है, उस डेट को आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा। जैसे हमारी ट्रांजेक्शन सपोज करो 2 अप्रैल से रिलेटेड है, तो आपकी डेट यहाँ 2 सेट करिएगा। अगर आपने मई से रिलेटेड है, सपोज करो 1 मई से रिलेटेड है, तो 1/5 आप डाल दीजिएगा तो मई हो जाएगा। उसके बाद जैसे दोबारा हमने कोई ट्रांजेक्शन सपोज करो 1 अप्रैल से रिलेटेड है, तो डेट चेंज करने का आपका मेथड ये रहेगा। तो जो डेट आपकी स्क्रीन पे यहाँ रिफ्लेक्ट होगी उसी में ही आपकी ट्रांजेक्शंस जाएगी। तो जब भी आप टैली सॉफ्टवेयर में या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप काम करते हो तो एक फील्ड आपकी डेट से रिलेटेड आती है। तो सबसे पहले हम डेट सेट करेंगे। आपको बड़े ध्यान से देखना है, ये आपका सारा वर्किंग एरिया होता है और दिस एरिया इज नोन एज कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे ही आपके सारे कीवर्ड हैं, सारे कीज हैं जिसको आप यूज करते हुए अपने जर्नल एंट्री या बाकी सारे एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इनपुट दिया डेट का। उसके बाद हमने जैसे एंट्री डिस्कस की थी कि हमारी एंट्री
जो हम कैश टू ए के शर्मा कैपिटल एंट्री इनपुट करेंगे वो किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है, वो है रिसीप्ट से रिलेटेड। तो सेकंड हम जो चेंज करेंगे, जैसे हम रिसीप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रिसीप्ट जो है रिफ्लेक्ट हो गया। उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, सॉरी, उसके बाद आपको रेलिवेंट टैली ने, अगर आप ध्यान से देखो इसने क्रेडिट अकाउंट की बात की है, तो क्रेडिट अकाउंट हमारा क्या है, कैश टू ए के शर्मा, तो ए के शर्मा को आप इसमें सेट कीजिएगा। तो हमारा उसके बाद अमाउंट, एंड अमाउंट इज 10 लाख। उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे डेबिट के बैठने का स्पेस है, आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखिएगा। उसके बाद आपका जो अकाउंट बनने का स्पेस है वो यहाँ पे है, आपको आगे आना है। और उसके बाद आप डेबिट अकाउंट आपका जो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में वो है कैश अकाउंट, और कैश में कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली ऑटोफिल आपका 10 लाख रुपीज अमाउंट कर दिया है। उसके बाद नरेशन है, और जैसे नरेशन हमारी थी कैश रिसीव्ड। उसके बाद जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। तो एक्सेप्ट करने से पहले हम एक बार देखते हैं कि जो हमारे 7 इनपुट थे वो हमारे हो चुके हैं। जैसे डेट हम इसको 1 मानेंगे, फिर रिसीप्ट्स 2, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, एंड देन अमाउंट, एंड देन नरेशन। तो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक फर्स्ट जर्नल एंट्री से रिलेटेड एंटर हो चुकी है। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। और सेकेंड नंबर पर जो हमारी एंट्री है, अगर हम एंट्री को दोबारा देखें आपकी स्क्रीन पे, सेकंड एंट्री पीएनबी टू कैश, और ये एंट्री है कॉन्ट्रा ऑप्शन से रिलेटेड। तो अभी इस एंट्री को इनपुट करने के लिए सबसे पहले अभी हमें डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे जरूर कि हमारी क्या डेट है। तो डेट 1 अप्रैल, अगर आप इस डेट को ध्यान से देखो तो फर्स्ट में हमारी एंट्री जाएगी, तो डेट आपकी स्क्रीन पे 1 अप्रैल है। उसके बाद आप कॉन्ट्रा क्लिक करोगे, कॉन्ट्रा क्लिक करने के बाद आप क्रेडिट में जब हम बात करेंगे तो हमारी एंट्री है बेसिकली पीएनबी टू कैश। तो जो हमारा क्रेडिट अकाउंट है वो क्या है, कैश। तो हम इसमें कैश सेलेक्ट करेंगे एंड अमाउंट इज 8 लाख। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, आगे हम आएंगे और यहाँ पे हमारा जो अकाउंट होगा वो पीएनबी होगा। और उसके बाद ये जितनी इन्फॉर्मेशन अभी आपके कंप्यूटर ने, ये आपके डिनोमिनेशन से रिलेटेड है, ये सारे ऑप्शनल फीचर हैं, आप इसको स्किप कर सकते हो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इनिशियली स्टेज पे। उसके बाद आपकी नरेशन है, और नरेशन आपकी है कैश डिपॉजिटेड, और इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद आपकी थर्ड एंट्री आती है, अगर आप थर्ड एंट्री को स्क्रीन पे देखो, एंड थर्ड एंट्री इज फर्नीचर एंड फिक्चर टू रामोड वर्क्स, एंड एंट्री इज रिलेटेड टू जर्नल एस्पेक्ट। इस एंट्री को इनपुट करने के लिए हम आगे चलेंगे, सबसे पहले डेट, फिर हम ऑप्शन चेंज करेंगे एंड ऑप्शन इज जर्नल, और डेबिट अकाउंट हमारा होगा फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट, एंड अमाउंट इज 1,75,000, एंड क्रेडिट होगा हमारा रामवुड वर्क्स, एंड देन नरेशन, एंड नरेशन इज बिल नंबर 601। उसके बाद आप एंट्री एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंट्रीज, अगर हम नेक्स्ट एंट्री की बात करें, एंट्रीज कंप्यूटर टू एचपी लिमिटेड, हम इस एंट्री को इनपुट करने के लिए फिर हमारी डेट और हमारा ऑप्शन जर्नल ये करेक्ट है, इसको इस चेंज करने की लोड नहीं है। उसके बाद आप कंप्यूटर को डेबिट करोगे 65,000 से, फिर आप क्रेडिट करोगे एचपी लिमिटेड को, फिर नरेशन में आपका जो है बिल नंबर, एंड बिल नंबर इज 607, आप इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट एंट्री, अगर हम नेक्स्ट एंट्री की बात करें, नेक्स्ट एंट्री है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू, नेक्स्ट एंट्री आपकी स्क्रीन पे है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू कैश। तो इस एंट्री के इनपुट के लिए सबसे पहले डेट हमें चेंज अभी भी नहीं करनी, क्योंकि अभी भी डेट 1 अप्रैल ही है, लेकिन एंट्री किस एस्पेक्ट में जाएगी, पेमेंट में, एंड एंट्री हमारी है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू, हमारी एंट्री है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 10,000 से, और क्रेडिट हम करेंगे कैश को। उसके बाद हमारी नरेशन, और नरेशन है हमारी कैश पेड। देन हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अगर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें, रेंट टू कैश, दिस इज द ट्रांजेक्शन, और इसके इनपुट के लिए हमारी डेट भी करेक्ट है और हमारा पेमेंट ऑप्शन भी, और यहाँ हम डेबिट करेंगे रेंट, एंड अमाउंट इज 10,000, क्रेडिट हम करेंगे कैश अकाउंट, कैश, और नरेशन में है हमारा पेड टू
मिस्टर मल्होत्रा एंड देन एक्सेप्ट। अगर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है स्टाफ सैलरी टू कैश, एंट्री फिर 1 अप्रैल की ही है और एंट्री का ऑप्शन भी पेमेंट है। देन हम डेबिट करेंगे, हम एक बार फिर ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं, स्टाफ सैलरी टू कैश, एंट्री फिर 1 अप्रैल की है और एंट्री को जब हम एंटर करेंगे स्टाफ सैलरी एंड द अमाउंट इज 6000 एंड क्रेडिट हम करेंगे कैश को और नरेशन में आ जाएगा कैश पेड, एंट्री को हम एक्सेप्ट करेंगे। एंड नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू फिर 1 अप्रैल है एंड ट्रांजेक्शन इज रामूडक्स टू पीएनबी एंड अमाउंट इज 1,25,000 एंड इसके लिए हम फिर रामूडक्स को डेबिट करेंगे एंड अमाउंट इज 1,25,000 और क्रेडिट हम करेंगे पीएन बैंक। एंड नरेशन की अगर हम बात करें, सिर्फ हमने नरेशन का इनपुट देना है एंड नरेशन इज चेक नंबर 701 एंड 601, दिस इज द नरेशन। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की बात करो तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी HP टू PNB, फिर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स को एंटर करेंगे, HP लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे 65,000 से, हम क्रेडिट करेंगे PNB को और नरेशन की अगर हम बात करें तो चेक नंबर सेवन जीरो वन सिक्स जीरो टू। फिर अगर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये हमारी जो ट्रांजेक्शन्स थी 1 अप्रैल की, लास्ट ट्रांजेक्शन्स है टी एक्सपेंसेस टू कैश एंड द अमाउंट इज 5,000, एंट्री फिर पेमेंट ऑप्शन में जाएगी तो टी एक्सपेंसेस को आप डेबिट करोगे 5,000 से और क्रेडिट हम करेंगे कैश को और नरेशन रहेगी कैश पेड। फिर अगर आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की बात करो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी शुरू होगी 2 अप्रैल से रिलेटेड। अब हमारी 2 अप्रैल और ट्रांजेक्शन है परचेज टू ACC। तो सबसे पहला काम हमारा, हम डेट चेंज करेंगे, 2nd डेट में कंप्यूटर को सेट करेंगे, फिर ऑप्शन चेंज करेंगे, ऑप्शन इज रिलेटेड टू परचेज। यहाँ पे अगर आप सप्लायर इनवाइस नंबर डालना चाहो और इनवाइस की डेट, ये ऑप्शन बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू डेट ऑफ एंट्री, जिस डेट को हम डाटा अपने कंप्यूटर पे इनपुट करेंगे, और ये आपका बिल नंबर और बिल की डेट है। लेकिन इस फील्ड को आप अगर आप इनिशियली स्टेज पे नहीं भी डालते, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, आपको नरेशन में हम इनवाइस नंबर यूज़ करेंगे, तो प्रेजेंटली इस रेफरेंस नंबर या सप्लायर नंबर की इनिशियली स्टेज पे हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस ऑप्शन में कंप्यूटर हमसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्रेडिट अकाउंट एंड अवर इन दिस एंट्री अवर क्रेडिट अकाउंट इज ACC लिमिटेड एंड द अमाउंट इज 5,75,000 एंड हम डेबिट किसको करेंगे परचेज को एंड देन हमारा जो नरेशन है, नरेशन में हमारा क्या आएगा बिल नंबर एंड दिस इज बिल नंबर इज 853। उसके बाद हमारी अगर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें, हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज टू JKY 2 अप्रैल 3,75,000 अमाउंट, ऑप्शन आपका परचेज रहेगा। तो यहाँ पे जब हम इस एंटर को अगेन हम यहाँ पे JKY को क्रेडिट करेंगे 3,75,000 हमारा अमाउंट रहेगा और डेबिट हम किसको करेंगे परचेज को और बिल नंबर हमारा नरेशन में 909। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट टू कैश, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू कैश। लेकिन ये हमारी जो मिस्टेक है, हमने अभी ऑप्शन चेंज नहीं किया, तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेंज करेंगे, ऑप्शन क्या है पेमेंट, और यहाँ पे आपका सबसे पहले आप यूज़ करोगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को डेबिट करोगे एंड अमाउंट इज इन दिस ट्रांजेक्शन अमाउंट इज 5,000 एंड अमाउंट में हम जब यहाँ पे 5,000 एंड देन कैश अकाउंट एंड देन नरेशन
एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू बेसिकली सेल्स. जब हम इस एंट्री को कैश टू सेल्स एंड अमाउंट इज 15,000, तो जब हम इनपुट करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन चेंज करेंगे एंड ऑप्शन इज पेमेंट. तो ऑप्शन इज सेल्स. तो जैसे ही हम सेल्स की ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे तो सेल्स की ट्रांजेक्शन को एंटर करने के लिए टैली में बेसिकली दो टाइप के फीचर्स हैं. आप इस ट्रांजेक्शन को एज वाउचर या एज इनवाइस दोनों मोड में एंटर कर सकते हो. दोनों का सेम ही मीनिंग है. तो क्योंकि हमारी प्रैक्टिस एज ए वाउचर है तो सबसे पहले आप इसमें सेटिंग एज ए वाउचर सेट कर लीजिएगा. एज ए वाउचर आप जब हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप डेबिट किसको करोगे, कैश को, एंड अमाउंट इज 15,000, और क्रेडिट हम करेंगे सेल्स को, और ड्यूरेशन हमारी होगी बिल नंबर 801. दैट्स इट. और अगर आप लास्ट ट्रांजेक्शन की बात करोगे तो दीपक टू सेल्स है. तो इस ट्रांजेक्शन को जब हम एंटर प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे प्रेस करेंगे दीपक, एंड हमारा अमाउंट रहेगा 25,000, और क्रेडिट हम करेंगे सेल्स को, और ड्यूरेशन हमारा रहेगा बिल नंबर 802. तो ऐसे हमने हमारी जो है, अगर हम ध्यान से देखें, पूरी 15 एंट्रीज का हम इनपुट दे चुके हैं. उसके बाद अगर आप कुछ रिपोर्ट्स देखना चाहो तो आप एस्केप करके दोबारा आप गेटवे ऑफ टैली पे, जिसे हमने मेन मेन्यू का नाम दिया था, वहाँ पे आएंगे, और आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाके, सबसे पहले आप डिस्प्ले में जाइए. अगर आपने ट्रायल बैलेंस देखना है तो आप ट्रायल बैलेंस पे क्लिक कीजिएगा, और ट्रायल बैलेंस क्लिक करने के बाद, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये वर्किंग एरिया और दिस इज कंट्रोल पैनल, अगर आप इस ट्रायल बैलेंस को, क्योंकि इस ऑप्शन से रिलेटेड ही ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, डिटेल्ड करोगे तो डिटेल्ड हो जाएगा, इसको आप लेजर वाइज करोगे तो अल्फाबेटिकली हो जाएगा. तो इन सारी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपके फीचर्स दिए गए हैं. इसको ग्रुप्ड करोगे तो पर्टिकुलर ग्रुप्ड आएगा. तो ऐसे करके जो भी आपका ट्रायल बैलेंस है या लेजर वाइज एक सिंपल ट्रायल बैलेंस बन जाएगा. तो आपकी स्क्रीन पे आपका ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट हो चुका है. कोई और अगर इसके अलावा आपको कोई रिपोर्ट्स देखनी है तो आप अकाउंट्स बुक्स में जाइएगा, लेजर में. कोई पर्टिकुलर अकाउंट देखना है, जैसे आपने PNB अकाउंट आप देखना चाहते हो, उसके बाद इसको डिटेल्ड कीजिएगा, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे आपका अकाउंट रिफ्लेक्ट हो चुका है. हम एक बार फिर आज की जो काम हमने किए इसके साथ ही, उन सारों पे नज़र एक बार फिर लगाएंगे, सो दैट कि हमें अगर किसी भी एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो रेक्टिफाई हो जाएगी. तो सबसे पहले हमने आज के प्रोजेक्ट में क्या किया, हमने कंपनी क्रिएट की. तो जब कंपनी क्रिएट की तो कंपनी क्रिएट करने से रिलेटेड हमने ये फीचर्स ऑन किए. तो जैसे हमारी कंपनी का नाम है, कंपनी का एड्रेस है, ये हमने फॉर्म फिलअप करने के बाद हमने अपनी कंपनी को क्रिएट किया. उसके बाद जैसे ही हमारी कंपनी क्रिएट हुई, एस्केप करके हम अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पे आए. अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पे लेजर में अगर आपने कोई अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे RK ट्रेडर्स, और ये सपोज करो आपका कस्टमर है, तो ऐसे करके आप इन अकाउंट्स को एंटर कर सकते हो. उसके बाद एस्केप करके हमने मेन मेन्यू के जरिए ही हम वाउचर एंट्री में, और जैसे आप वाउचर एंट्री में गए, जैसे आपने सपोज करो किसी एक्सपेंसेस की एंट्री या सेल्स की या परचेज की एंट्री डालनी है, तो परचेज की अगर आप एंट्री डालोगे तो ऐसे आपने ACC को क्रेडिट किया, डेबिट हमने परचेज को किया, नरेशन यहाँ पे आपका जैसे बिल नंबर. उसके बाद आप एंट्री एक्सेप्ट कीजिएगा. अगर एक्सेप्ट करे बिना आप बाहर आओगे तो एंट्री सेव नहीं होगी. तो दिस इज़ द बेसिक मेथड कि आप किसी भी कंपनी के अगर आपने ट्रांजेक्शन्स को टेली ERP 9 पे एंटर करना है, तो ये आज की क्लास में हमने इन सारी बातों पे अच्छे ढंग से इनको करने की कोशिश की. अब अपकमिंग क्लासेस में हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को, अगर हमारी कोई मिस्टेक हो जाए तो कैसे अल्टर करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, या जितने इसके अलावा ऑप्शनल फीचर्स हैं, जितने भी आपके ऑप्शनल फीचर्स हैं, और जैसे इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर्स हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर्स हैं, वो सारे के सारे हम अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे. तो आज की क्लास में, इससे पहले कि हम आज की आपसे विदा लें, तो आपको सबसे पहले इस डेटे पे खुद प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस करने के बाद जितनी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, सबसे पहले आप एक डेटा जो हमने वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, DSMN ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड बेसिकली 50 ट्रांजेक्शन्स का एक सेट है, इन ट्रांजेक्शन्स को आप प्रैक्टिस के लिए अपने सॉफ्टवेयर पे डालिएगा, और उसके बाद जो आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए
हम नेक्स्ट क्लास में आपको रेलिवेंट सारे फैक्टर्स बताएंगे, जिसमें ट्रांजेक्शन्स को अल्टर डिलीट वगैरह वगैरह जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उन सारी ट्रांजेक्शन्स को, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में रेक्टिफाई करेंगे। और उसके बाद जितने एडिशनल फीचर्स हैं, एडिशनल वर्क हैं, जैसे मैं आपको फिर याद कराऊंगा काम हमारा, चाहे वो इन्वेंट्री रिलेटेड वर्क हो, चाहे वो रिकन्सिलेशंस हो, चाहे वो टैक्सेशंस हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो या वैट हो, उनसे रिलेटेड जितने भी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, आपको हमारी अपकमिंग चैप्टर्स में मिलेंगी। तो लेकिन अपकमिंग चैप्टर्स में एंटर करने से पहले आपको सबसे पहले इस एग्जिस्टिंग डेटा पे खूब प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस को करने के बाद ही अगर आप हमारी एग्जिस्टिंग या जो हमारी अपकमिंग क्लासेस देखोगे तब आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आज की बेसिक क्लास में सिर्फ डेटा एंट्री करने से रिलेटेड, हमने एक बेसिक एंट्री करने से रिलेटेड और उसकी रिपोर्ट देखने से रिलेटेड कुछ बातें की। तो ये तो थी हमारी आज की बेसिक क्लास, तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।